सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे हो कि यार कैसी स्टार्टिंग है इसकी, आज कैसी स्टार्टिंग कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम निकल गए हैं सबुदी के घर के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं सर्दियों में जो है वो अजुदी के घर। बट अभी सबुदी के घर एक दिन जाएंगे, फिर कल वहीं से चले जाएंगे हम अजुदी के घर। तो अभी बस वहीं जा रहे हैं, तो देख सकते हो गाड़ी भी चल रही है और अभी पहुँच के मैं आपको बताऊँगी। A few moments later. खाना सब ने कुछ खाना बनाया है हमारी खुशी में, खाएंगे खाना शाना। उसको जूठी लगती है उधर मैं देती हूँ, आप बैठो। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, चिकन बनाया मजेदार, पानी की बॉटल है, सबरी फ्राई करके बनाया ना, सबरी का फ्राई करके हद्दी टेस्टी होता है। उसकी बैटरी लो है बाबा, बैटरी लो जी, नहीं तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और बहुत ज्यादा भूख। अच्छा इतना बनाया नमक, कोई बात नहीं, आपको बीपी है। मम्मा को ऐसे भी नमक नहीं खाना है, बट मम्मा नमक पी के बीपी आपको हमें लगता है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, मुझे होता नहीं था कभी बीपी, पता नहीं कैसे हो गया। अपनी चप्पल दिखाओ जरा, न्यू दोनों दिखाओ, दोनों कितनी प्यारी, किसे लाई ये, किसे लाई मैं अपने घर चले जाती हूँ। ठीक है, मैं जाने जरूरी नहीं, जाओ बाय बाय। बम फुटाना, मुझे फुटाओ। क्या बम? अभी वो और भी फुटाए ना, अभी बहुत, अभी और फुटाना। अभी नहीं है फटाने, वो रॉकेट कल फटाना है। रॉकेट अभी उड़ जाता है, फिर मैं डर लूंगा। अब तो हाँ, तो इसलिए बोलो ना, सुबह फटाएंगे। ओके, तो अभी 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 फुटाओ, अभी 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 फटाओ। अभी नहीं, सुबह ना, अभी रात को। चल पीछे जाओ, अपना आउटफिट दिखाओ, चलो भागो। बोलो सो गाइस, अभी मेरा आउटफिट देख सकते हो। सो यहाँ पे आउटफिट देख सकते हो, जैसो इधर कम नाड़ा दिख गया जैसू का, जैसू नाड़ू। हाँ ओके आई, तो खाना खा रहे हैं हम, खाना खा के आपसे मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून। सो खाना खाने के बाद मैंने रात को जो है मुझे बहुत लग गई भूख, तो मैं अभी बना रही हूँ लिप्टन चाय अपनी और सबुदी के लिए। तो अभी गड़क रही है, बस चाय शाय पीते हैं और फिर सो जाएंगे और मैं सीधे आपको सुबह मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। The next day. अस्सलाम वालेकुम निहीर, क्या कर रहे हो? तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही है निहीर। निहीर कर रही है, बोलो निहीर, हेलो करो, हेलो अगर हेलो हेलो करो। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का फजल है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और फिर खेलो खेलो जो भी आपको आती है, मुझे नहीं पता। सो गाइस, हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और कल के हम आ चुके थे सबरी के घर। हाँ तो नेक्स्ट डे है, तो अभी चाय शाय ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, जो कि ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब हमने बनाना है कुछ, क्या बनाए? ओ तो सब मेरी बोली, आप प्याज वाले चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाते हो, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्याज वाले चावल आप कैसे बनाओगे? तो प्याज वाले चावल जो भी बनाने चलाने हैं, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर होगा। तो चलो मेरे साथ किचन में, जो कि ये है मेरा कुछ ऐसा आज का आउटफिट, जो कि मैंने घर के ही कपड़े लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोन का कवर कैसा है कमेंट में बता देना, अगर अच्छा लग रहा है तो बता देना। तो यहाँ पे किचन में चलेंगे, किचन में हमने लाइट्स कर देनी है ऑन और हम बनाएंगे प्याज वाले चावल, जो कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए आपको पता ही है ना, मोटे ना, इसलिए पेट हमें ज़्यादा है,
इसलिए हम ज़्यादा बहुत खाते हैं। और अभी बस करते हैं स्टार्ट और फिर मैं आपसे मिलती हूँ सीधे। सो यहाँ पे प्याज एंड टमाटर जो है वो काट के मैंने रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे चले गया है तेल जो कि हो जाएगा गरम, और तब तक मैं निकालती हूँ यहाँ से चावल। तो चावल भी रख लेते हैं और फिर हम अपनी सामग्री जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, और मेरे आज हाथ फट गए क्योंकि सर्दी आने लगी और मेरे हाथ फटने लगे। सो इसीलिए काम शाम तो मुझसे बनता नहीं, बस ज़्यादा है बर्तन धोना नहीं मैं कर सकती हूँ क्योंकि इसीलिए मेरे को ना हाथ फट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं ना वैसे ही मेरे हाथ फटना स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। तो फिर सोचो आप फिर आगे आगे क्या हाल होता होगा। तो मेरे बहुत ज़्यादा हाथ फटते हैं और पैर भी मेरे फटते नहीं ना, क्योंकि मैं सॉक्स लगा के रखती हूँ। हाथों को फिर बर्तन जैसे धोने पड़ते हैं ना, इस वजह से हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी और क्या ही कर सकते हैं, काम तो करना ही है लड़कियों का। जैसे बोलते हैं ना, मेरा धर्मा तू मेरा कर्मा प्याज टमाटर। तो इसलिए ये है कि बनाना सब्जी वब्जी तो है ही है ना, और हम क्या ही कर सकते हैं, लड़कियों को क्या काम है। और मेरे देखो इस वाले ड्रेस के बाजू कैसे बने हुए हैं कमेंट में बता देना, ठीक है। देखो यहाँ पे इंस्टा की आईडी आ रही होगी, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे अभी हम खोल रहे हैं ये गुत्थी चावलों वाली। आपके पास क्या पैसे है? कॉटन कैंडी के लिए। हाँ, अभी मैं खोलती हूँ, इसमें से चावल निकालती हूँ और इसमें डालती हूँ। 10 rupees। हाँ, अभी कॉटन कैंडी लेने हूँ। ओके। हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैं खींचूंगी और ये खुल जाएगी हमारी बहरी। बस अब ऊपर वाला भी खींचना है। ये देख सकते हो ये हो गया और ये हमारे बासमती चावल खुल चुके हैं। तो यहाँ पे सबुदरी को मेहंदी लगाई है मैंने, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल। सच में मैंने बहुत भी प्यारे हैं अभी, और इतने प्यारे लग रहे हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। पानी दो, पानी नहीं रोहिणी नहीं से पानी दो, पानी दो, पानी दो। बॉटल आपकी कहीं, क्या बोल रहे हो जिगर? पानी कहाँ है? सबो दीदी जो आपने ये सूट लगाया कितने साल पुराना है सच बोलना, मगर आपने इसका प्लाजो क्यों नहीं लगाया? प्लाजो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा। 6 साल हो गए इस सूट को, 7वां साल लग गया। 6 साल, 6 साल में मैंने ये सूट एक बार लगाया, पहले एक बार आज, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, और ये इतना प्यारा है, इसका वर्क देखना कितना प्यारा, कश्मीरी कढ़ाई वाला वर्क है, तिल्ले का गले पे भी ये पूरा वर्क, ये देख सकते हो। और बॉटम को नीचे, बॉटम और इसके प्लाजो को ना, बॉटम को बहुत ज्यादा अच्छा है। सो अभी हमें एक प्याज जो है, हाँ अजान होगी, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके, सो गाइस प्याज में मैंने टमाटर डाल दिए थे क्योंकि अजान हो रही थी, फिर मैं शॉर्ट नहीं बना पाई। और अभी मैंने डाल दिए चावल और मिर्ची हल्दी नमक जो भी डालना होता है मसाले में वो डाल दिया था, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डलता है। ये होता है बाबा, इसका धागा होता है, जाओ डाल दो उसमें लिफाफे में। हाँ, गुड बॉय। हाँ, डस्टबिन ही होती है ये, डालो इसमें, गंद डालते हैं ना। सो यहाँ पे मैं इसका पानी पूरा करके रख देती हूँ, उसको बंद कर देती हूँ, फाइनल लुक दिखाऊंगी अब आपसे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है चावल टाइट, जैसे कि धागा हो चुका है बहुत ज्यादा टाइट। दिखाओ मेहंदी दिखाओ पहले, फिर मैं आपके धागे को खुला करूंगी। वाह माशाल्लाह, मेरा छुंडल बच्चा, मेरा गुंजलू बच्चा, चलो चलो निकालो, मैं करती हूँ ठीक। चलो मैं लगाती हूँ जाली, चलो। A few moments later. So guys, यहाँ पे हमारे जो है प्याज वाले चावल वो बन चुके हैं, और सबरी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, और जैजू को भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। सो यहाँ पे टॉम एंड जेरी चल रहा है और यहाँ पे बस खाना खाने लगे हैं।
सो यहाँ पे खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट था, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस अनचार का थोड़ा सा साथ होता, मैंने प्याज भी काटा था, बट अनचार का अलग ही टेस्ट आता है। तो सबुदी बेबी खा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, मज़ा बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा नमक कम हो गया है और कोई इशू नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। जैजू की प्लेट भी तैयार है, जैजू को खिलाना पड़ता है खुद ही। तो बस यार खाते हैं खाना शाना और बस। सबेदी का जल गया हाथ, चावल गर्म है ना बहुत। जैजू पत्तू खाओ लो, मैम जी हो गई रात। सो यहाँ पे हमने खा लिया है खाना और मैं बैठ गई थी रूम में। मेरी कुछ हालत बेहाल है, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ अच्छी तरह और मैं मुँह शू धो लेती हूँ, अपना सर धो लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैल है मेरे सर में। मैं खुशी थी गंदी रहती हूँ ना सर्दियों में, मन ही नहीं करता है मुँह हाथ पैर धोने का। तो अभी मैं क्या कर लेती हूँ, बस थोड़ा सारा सर वर धो लेती हूँ और उसके बाद क्या, उसके बाद रात को हम कुछ अच्छी रेसिपी बनाएंगे, बट ये वाला ब्लॉग भी करती हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ आपको किसी भी रीजन से पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन आई हैव टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग।